Natasha Naik, and I make videos to help your deal with the skin and hair care issues. But today it's going to be one kind of a fun video. In one of my previous videos, I did a spicy noodles challenge. I'll be doing the same thing today, but with few of my reviews as well on my empties. Okay, I'll be eating the same noodles, those spicy Samyang noodles of 2x spicy. I'll be eating the same one, but last time I ate those cup noodles. In that, the quantity was very less. Today I'll be eating this whole packet. There are few products in my empties today which work for my skin and hair really well, okay? And I'm really sorry for those outside noises. I will try to reduce them, but I'm really sorry from my half due to that. Okay, so coming back to my empties, I just love few of my products a lot, and I'll be talking about them as well. So if you want to watch this video, then continue watching. जी, तो मैंने इसे उबाल लिया है. ओके, सो या लेट्स स्टार्ट मिक्सिंग द सॉस. दिस इज द सॉस दैट आई गॉट. ओके, सो या ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, बट इस नूडल्स में एक चीज़ लास्ट टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो नूडल्स है ना बेसिकली थोड़ा सा मीठा मीठा टाइप का था. ओके, बट अगर ये सॉस बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता तो मे बी आई वुड हैव एट इट अ लॉट ऑफ टाइम स्टिल नाउ, बट ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है. तो मिक्स हो गया. अभी वुड पुटिंग दिस, ये जो सीजनिंग का पैकेट आता है ना, जो सीवीड होता है, सेसमे सीड्स होता है, सो ये पैकेट बस ये सीजनिंग ऐड करेंगे. अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी स्मेल कर रहा है, मतलब डेड स्पाइसी है. सो या चीयर्स. अभी तक तो ठीक है, इतना लग नहीं रहा है, बिकॉज इसका जो स्पाइस है ना, ये धीरे 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 बिल्ड होता है. ओके, तो सबसे पहले ये टी ट्री ऑयल सोल फ्लावर. सो ये बहुत, मतलब मेरे लिए ये वाला करियर ऑयल बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा हैवी है. आप इसको ऐसे ही मत यूज करो, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल के साथ यूज कर लेना, डैंड्रफ के लिए बहुत सही रहता है. या मेरे को ये डैंड्रफ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लगा. मैं इसको और तो नहीं खरीदूंगी, बिकॉज डैंड्रफ के लिए मैं बहुत कुछ और यूज कर सकती हूँ, और इसका छोटा ऐसा पैक ऑफ 5 भी आता है सोल फ्लावर का, मैं वो वाला भी ट्राई कर सकती हूँ DIY से. सो आई लाइक दिस वन. फर्स्ट सेकेंड दिस इज अ सेकेंड प्रोडक्ट. ओके, तो दिस इज फ्रॉम सोल फ्लावर ओनली द कैस्टर ऑयल. सो दिस आई लाइक दिस वन अ लॉट, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बिकॉज बहुत ही मुझे, मैं बहुत सारे ब्रांड्स का कैस्टर ऑयल यूज कर चुकी हूँ, लाइक नॉर्मल वंस एंड ऑल्सो फ्यू ऑफ द एक्सपेंसिव वंस एज वेल. मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा. आई विल डेफिनेटली बाय अगेन, इफ मुझे कैस्टर ऑयल लाना हुआ देन आई विल ऑब्वियसली रिकमेंड यू गाइस सोल फ्लावर, बिकॉज सोल फ्लावर के प्रोडक्ट्स आई डोंट नो व्हाई बट दे वर्क रियली गुड फॉर मी. और मैं DIY के लिए जनरली मैं ऑयल्स और उसके सीरम्स मुझे बहुत सही लगते हैं. उसके सीरम्स थोड़े बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साइड में हो जाते हैं, तो और भी बहुत सारे अदर ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं है, बट मुझे इसका ये कैस्टर ऑयल बहुत ज्यादा अच्छा लगा था. ओके, सो इसका जो स्पाइस है ना,
वो ना एक झटके से नहीं लगता है, वो धीरे 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 बिल्डअप होता है। और जब आप एक बार निकल लेते हो तो क्या होता है ना, थोड़ा सा नम हो जाता है मुंह पूरा, अंदर से पूरा नम हो जाता है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द रिव्यू, ये थर्ड प्रोडक्ट है बंजारस का रोज वाटर। ठीक है, तो मेरे को ये एक्चुअली लाना था क्योंकि DIYs के चक्कर में बहुत ज्यादा फेस मास्क एंड ये वो सब कुछ करती रहती, तो ये बहुत एफोर्डेबल भी था और मेरे को ये वाला चीज मतलब ये बहुत अच्छा लगा था इसका, ये वाला रोज वाटर। तो या मेरे को ये आई थिंक लास्ट किया फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, मेरे को एक साल तक मतलब, और एक साल से ज्यादा आई थिंक मैं इसको हेयर के लिए भी यूज कर चुकी हूँ, उसको मैं फेस के लिए भी यूज की हूँ, एज अ टोनर भी यूज की हूँ, समर्स के लिए बहुत ज्यादा यूज की हूँ, बिकॉज फ्रिज में मैं नॉर्मल एक स्प्रे बोटल में इसका रोज वाटर स्टोर कर लेती हूँ, उसको फिर मैं रख देती हूँ फ्रिज में। ठीक है, तो वो थोड़ा स्किन के लिए, स्किन को थोड़ा हील करने के लिए, मेरे को गर्मी में आने के बाद अचानक से मत करना, बिकॉज वो क्या होता है ना फिर आपको रैशेस हो जाते हैं अचानक से टेम्परेचर का डिफरेंस की वजह से। बट आई विल ऑब्वियसली बाय, बट नॉट सच अ बिग साइज, ये 1 लीटर है, इतना बड़ा मैं नहीं खरीदूंगी, बिकॉज इतना मैं दूसरा भी ब्रांड का ट्राई करना चाहती हूँ, बट या ऑफकोर्स आई विल बाय स्मॉल साइज ऑफ इट। इसको मैं खाते खाते बात नहीं करना चाहती, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि अचानक से वो जो बात करते वक्त हम सांस लेते हैं ना, अचानक से गले में लगे और मुझे ना खांसी हो, जैसे थोड़ा सा स्टार्टिंग में हुआ, वापस से वो मैं नहीं चाहती। सो या ओके, दिस इज द फोर्थ वन, दिस शावर जेल इज वाओ, मैं सच्ची बता रही हूँ, इसीलिए बिकॉज आप इसको यूज करोगे पहले पहले आपको लगेगा थोड़ा सा ड्राइंग लग रहा है, बट फॉर मी बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग शावर जेल है, मॉइस्चराइज भी करता है लेकिन जितना करना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं करता कि आपका स्किन यू नो गर्मियों में यू नीड बहुत ज्यादा ऑयली ऑयली ग्रीजी ग्रीजी ना लगे, है ना, मॉइस्चराइजिंग भी है इसको। मैं मतलब ये मैं आई थिंक मोर देन 6 मंथ्स, आई थिंक 7 मंथ्स हो गए, तो ये वाला जो है ना मेरे को इसलिए अच्छा लगे, इसका खुशबू बहुत अच्छा है, आई लाइक द फ्रेग्रेंस एंड ऑल्सो लाइक बहुत रिफ्रेशिंग है, आप इसको ऐसे भी यूज करो, मुझे ये वाला बहुत रिफ्रेशिंग लगता है, लेमन है और समर्स के लिए मुझे लगता है बहुत अफोर्डेबल वाला है और बहुत सही वाला प्रोडक्ट है। बट या इट्स अ रिपर्चेज फॉर मी। इतना बच्चा है, ठीक है, सो इतना लाल दिख रहा है यार, सो इसका स्पाइस ना धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, मुझे लगता है ये जो कप नूडल्स था ना ये उससे ज्यादा स्पाइसी लग रहा है, इफ दे बोथ आर 2x नूडल्स लाइक, पता नहीं क्यों मुझे ये वाला कुछ ज्यादा ही स्पाइसी लग रहा है उससे। सो ये वाला सनस्क्रीन आई थिंक मैं अपने एक इनिशियल यू नो होता है ना इनिशियल टाइम में मैं फर्स्ट इंप्रेशन जो रिव्यू वीडियोस बनाती हूँ प्रोडक्ट्स के, मैं उसमें बनाई थी, मुझे ये वाला सनस्क्रीन बहुत अच्छा लगा था। मुझे ये सनस्क्रीन, मुझे आई थिंक ये पहला सनस्क्रीन था जो मुझे बहुत ज़्यादा सूट किया था, बट एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि बहुत ज़्यादा प्राइसी है, मतलब एज एन कॉलेज स्टूडेंट और यू नो अब जस्ट एक स्टूडेंट हो तो आई डोंट, इट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर मेनी स्टूडेंट्स, ओके, जस्ट अ सेकंड, लाइटिंग बहुत ज्यादा, सो या तो ये मुझे बहुत ज्यादा, ये पहला सनस्क्रीन है जो मुझे एक्चुअल में बहुत ज्यादा काम अच्छा लगा था, मतलब मेरे स्किन के लिए एज एन ऑयली स्किन ये बहुत अच्छा काम देता है, बहुत लाइट वेट है, बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है और स्वेट में ये बहता भी नहीं है, यू नो मेरा क्या है ना बहुत स्वेटी स्किन है, ठीक है, तो क्या होता है ना कि अब जो बहुत ज्यादा धूप में यू नो एवरीडे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी जो आना जाना करते हो ना, तो जाते जाते ही तो सनस्क्रीन वो स्वेट में ही बह जाता है, तो इसका वो चीज नहीं है, इसमें वो चीज नहीं है, ये अब्सॉर्ब हो जाता है और ये रहता है, जो कि मुझे इसके बारे में बहुत अच्छा लगा था। आप इसको रीअप्लाई कर सकते हो एंड
ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी है, मुझे नहीं पता ये कितना हद तक काम दिया, बट आई लाइक इट बिकॉज इट वॉज वेरी गुड फॉर माई स्किन. लाइट वेट है, चिपचिपा नहीं लगता, पिंपल्स नहीं होते या फिर आपको हैवी फील नहीं होता, बिकॉज जनरली मैं अपने स्किन में बहुत कुछ लगाती नहीं हूँ. मैं मॉइस्चराइजर भी कभी कभी सिर्फ एलोवेरा जेल ही रहता है मेरा मॉइस्चराइजर, ओके, या फिर कोई जेल बेस्ड चीज रहता है और मैं उसके ऊपर यू नो दो बेकिंग पाउडर या फिर पाउडर वैसा कुछ मैं यूज नहीं करती, कुछ भी यूज नहीं करती. सो फॉर मी इट वॉज लाइट वेट एंड आई लाइक टू कीप माई स्किन रियली थिंग्स ऑन माई स्किन रियली लाइक, तो उस हिसाब से आई लाइक इट. आई विल ऑब्वियसली परचेज इट, बट थोड़ा अफोर्डेबल साइड में जब जब ऑफर्स रहेंगे मे बी आई विल बाय एट दैट टाइम, अदरवाइज आई माइट नॉट, बिकॉज अभी मैं और भी बहुत अच्छे अच्छे सनस्क्रीन्स हैं जिनको मैं ट्राई कर रही हूँ एंड आई रियली लाइक देम एज वेल. सो या ये रहा हेयर कंडीशनर, ये मॉम्स एंड वर्ल्ड का है. सो ये भी बहुत ज्यादा प्राइसी मुझे लगा, लाइक ये अच्छा काम करता है एज एन कंडीशनर, मुझे ये बहुत अच्छा लगा. ये सल्फेट एंड पैराबिन फ्री है, ये बोलता है कि थिकर और फुलर करता है, ऐसा मुझे कहीं से भी नहीं लगा बिकॉज आई डोंट नो वाई, बट ये बहुत मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग है आपके बालों के लिए. अगर फ्रिजी हेयर्स है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका भी वही सेम चीज है जस्ट लाइक द सनस्क्रीन की, ये बहुत ज्यादा प्राइसी हो जाता है. ठीक है, इसको मैं किसी एक ऑफर में आई थिंक लाई थी, तो मुझे ये लास्ट किया फॉर अराउंड 6 to 7 months, हाँ 6 to 7 months, बट अगेन ये प्राइसी हो जाता है, तो मैं इसको तो और नहीं लाऊंगी बिकॉज इसका मेन जो था कि हेल्दी हेयर ग्रोथ फॉर थिकर एंड फुलर हेयर. थिकर या फुलर कुछ हुआ नहीं, जनरली इसका प्रॉब्लम क्या हुआ ना, हाँ फ्रिजी नहीं करता, बालों को शाइनी रखता है, सिल्की रखता है, सब कुछ अच्छा है, बट मैं इसको मेनली लाई थी मतलब मेरा बाल में ना प्रॉब्लम क्या हुआ ना, एक वॉल्यूम और नहीं रहा है. ठीक है, तो वॉल्यूम थोड़ा मुझे थोड़ा वॉल्यूम अपने बालों में चाहिए था. हेयर ग्रोथ ठीक है, मेरा हेयर फॉल अभी उतना है नहीं, DIY कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट प्रॉब्लम इज वॉल्यूम नहीं रहा, वॉल्यूम चला गया है, तो जिस चक्कर में आई डिड बाय दिस थिंग. बट या आई वोंट बी बाइंग दिस वन अगेन, बट अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी है, कर्ली बाल है, फ्रिजी है और नो हाइड्रेट नहीं रहता, रूखा सूखा सा दिखता है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है. विंटर्स में ये बहुत अच्छा है एक्चुअली, अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा रूखा सूखा है. सो या फॉर दैट इट इज़ नाइस, बट इट डज नॉट डू एनीथिंग वॉट इट क्लेम्स. नहीं ओके, सो ये वाओ का स्किन रिवाइव नेक्टर मॉइस्चराइजर है विथ आई थिंक शिया एंड कोको बटर्स, मोर्गन आर्गन ऑयल, बीटरूट एक्सट्रैक्ट्स. इट सेज इट रिप्लेनिशेस, रिन्यूज एंड रेजुविनेट्स. सो फॉर मी इट डिड नथिंग, ओके, ओनली इट मॉइस्चराइजेस, इट डज नथिंग एज अदर देन दैट. मेरे लिए ये चीज बिल्कुल काम नहीं किया. देयर आर मेनी अदर मॉइस्चराइजर्स व्हिच वर्क रियली नाइसली फॉर मी, सो अदर देन बाइंग दिस वन आई वुड बाय एनीथिंग एल्स, बिकॉज ये आता है आई थिंक 300 ml का. एज एन बॉडी लोशन भी ये बहुत ज्यादा ग्रीजी है, स्पेस पे भी बहुत ज्यादा ग्रीजी है, समर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है. मेरा स्किन ऑयली है बट ऑन विंटर्स ऑल्सो इट इज वेरी ग्रीजी फॉर मी, सो आई वुड नेवर बाय दिस अगेन. या आई वुड नेवर बाय दिस अगेन. लास्ट आई थिंक ये लास्ट वाला ना ज्यादा स्पाइसी रहता है, मुझे नो वो सारे सॉस वो सारे फ्लेवर्स ना यहीं पे आके अटक जाते हैं. नेक्स्ट ये एप्पल साइडर विनेगर, ये हेल्थ वीट का है. ठीक है, बट मुझे ये वाला विनेगर बहुत अच्छा लगा, ये एप्पल साइडर विनेगर मुझे अच्छा लगा. मैं एप्पल साइडर विनेगर बेसिकली इसीलिए लाती हूँ बिकॉज इट इज रियली गुड फॉर योर हेयर्स,
बालों में ये क्या करता है ना, मेरे बाल कर्ली है और थोड़े फ्रिजी भी है, ठीक है, तो बहुत सारे आई नो कर्ली हेयर कर्ल रूटीन्स आ चुके हैं एवरीथिंग, बट आई वांट समथिंग अफोर्डेबल जिसको मैं हमेशा कर पाऊँ, ठीक है, तो उस हिसाब से आई यूज दिस वन आफ्टर डूइंग कंडीशनर. मैं नॉर्मल एक यू नो एक पतीले में या फिर एक बॉल में आप थोड़ा सा पानी ले लो, थोड़ा इन द सेंस कि एक ग्लास पानी ले लो या फिर एक कप पानी ले लो, उसमें एक ढक्कन इसी का एक ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर डाल दो और बालों को थोड़ा देर डुबा के रखो, फिर निकालो. उससे क्या होता है ना, वो जो आपके बाल में जो मॉइस्चर है ना वो लॉक्ड होके रहता है, वो अच्छा मतलब ऐसा नहीं हुआ, और वो चीज़ ना मुझे हेल्प करता है मेरा हेयर वॉश का डे 3 डे 4 तक. इट हेल्प्स टू यू नो मेरा बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी नहीं हो जाते, रूखे सूखे से नहीं हो जाते. सो या डे 5 को मैं थोड़ा थोड़ा ऑयलिंग कर सकती हूँ सो दैट वो एक मॉइस्चर लेवल मेंटेन होकर रहने के लिए. एंड फॉर द बॉडी वॉश आई यूज इट बिकॉज समर्स बहुत स्वेटी होता है, पसीने की वजह से यू नो यू गेट ऑडर फ्रॉम योर स्किन, यू डोंट वॉन्ट टू स्मेल दैट. ओके, सो या एप्पल साइडर विनेगर मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा बिकॉज इससे पहले मैं बहुत सारा यूज कर चुकी हूँ, बट दोज आर फिल्टर्ड वन, सो ये अनफिल्टर्ड है एंड आई डोंट नो वाई बट आई लाइक दिस वन. And I will repurchase it again as well. Okay, तो इतना ही रह गया है, ये last part है. This is from Khadi Naturals herbal air conditioner. It is Khadi green tea and aloe vera. Okay, it was really good for my soft my hairs. I didn't notice ki prevent hair loss because problem kya because kya hua na ki main bahut zyada DIYs and everything I do it and my hair fall is very stable right now. Jo basic jitna hona chahiye. So I don't know about preventing hair loss. Okay, but हेयर स्मूथ बहुत किया है, फ्रिजीनेस बहुत हटाया है एंड इट इज अफोर्डेबल, इट इज क्वाइट अफोर्डेबल एज एन कंडीशनर, एज अ गुड क्वालिटी कंडीशनर ये बहुत ज्यादा अच्छा है एंड आई लाइक दिस प्रोडक्ट. सो या दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द डे एंड ऑफकोर्स आई विल रिपर्चेज इट एज वेल. सो या गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई होप यू गाइज लाइक इट एंड आई फिनिश द होल स्पाइसी नूडल एंड इट वॉज रियली स्पाइसी. आई डोंट थिंक आई विल बी डूइंग दिस वन अगेन. So yeah, that's it for today's video. I hope you liked it. I hope you liked the content. If you liked it, then please like, share, comment and subscribe to this channel. Until then, see you next time. Bye-bye.